दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड्स के बारे में कि दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या फिर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें कितने प्रकार के एड होते हैं, किस एड का क्या वैल्यू है, कौन सा एड अच्छा है, कौन सा एड अच्छा नहीं है और किससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और कौन सा एड आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको एड के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको एड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल्स में, तो ये वीडियो आप देखते रहिए। तो दोस्तों, इसमें आपको जब भी आप वीडियो देखते हैं या फिर अपलोड करते हैं तो आपको 6 एड देखने को मिल जाती है, यानी 6 प्रकार के एड होते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको साइड में आपको एक स्लाइड शो होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको 6 प्रकार के ऐड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे है स्पॉन्सर कार्ड ऐड, स्किपेबल नॉन स्किपेबल, बम्पर ऐड, ओवर एड, ऐसा ऐड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, 6 प्रकार के हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा ऐड सबसे अच्छा है और कौन सा ऐड आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे सकता है। तो दोस्तों, जो हमारा पहले नंबर पे आता है वो है स्किपेबल ऐड। दोस्तों, ये जो ऐड है ये आपके वीडियो में बहुत ही ज्यादा आएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वीडियो में आपकी मूवी चलने लगती है या फिर कोई सॉन्ग प्ले हो जाता है, तो ये ऐड जो है वो बहुत ही ज्यादा आते हैं, लेकिन इसका जो रेवेन्यू है वो बहुत ही कम है, यानी आपके ना के बराबर ये रेवेन्यू देता है। ये हो गया आपका फर्स्ट ऐड जो कि आपको रेवेन्यू दे, जो कि आपके वीडियो में सबसे ज्यादा आता है और रेवेन्यू सबसे कम देता है। दोस्तों, उसके बाद जो ऐड आता है उसका नाम है डिस्प्ले एड्स। ये आपको स्किपेबल ऐड के बाद आता है, यानी आपको यहाँ पे मैं आपको एक फिगर शो कर रहा हूँ, फोटो शो कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं जो ऐड है ये आपको स्किपेबल ऐड से थोड़ा सा कम आएगा और ये जो ऐड है वो भी आपको रेवेन्यू जनरेट करता है लेकिन उससे ज्यादा जनरेट करता है, यानी जो स्किपेबल ऐड है उससे रेवेन्यू थोड़ा सा ज्यादा जनरेट करता है। उसके बाद दोस्तों, आपको तीसरे नंबर पे जो ऐड आता है उसका नाम है तो बम्पर ऐड। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, साइड में आपको दिखा रहा हूं मैं, ये है बम्पर ऐड। इसमें जो है आपकी जो ऐड है वो इससे थोड़ी सी ज्यादा आती है। दोस्तों, यहाँ पे जो बम्पर ऐड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बम्पर ऐड जो है वो ओवर ऐड से थोड़ा सा कम आता है और इसकी जो रेवेन्यू है वो ज्यादा उठती है, यानी जो जो मैंने आपको पहले बताया उससे थोड़ा सा ज्यादा अर्निंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो एड है नॉन स्केपेबल एड, दोस्तों ये बहुत ही महंगी एड होती है। अगर ये वीडियो पे आपके एक बार भी या फिर 2 बार भी आ गया तो आपको काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप जब भी देखते हैं वीडियो को, अगर आप आपके वीडियो पे नॉन स्केपेबल वीडियो ऐड आता है, यानी आप यहाँ पे शो भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नॉन स्केपेबल वीडियो ऐड है ये बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर ये आपके वीडियो पे आता है तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक बार में कर देगा। तो उसके बाद जो आता है हमारा ओवरले ऐड, ओवरले ऐड दोस्तों इसके बाद ऐड जो आता है वो इससे थोड़ा सा कम आता है, लेकिन ये भी ऐड जो है वो भी आपको रेवेन्यू जनरेट करता है लेकिन नॉन स्किपेबल वीडियो से थोड़ा सा कम रेवेन्यू जनरेट करता है। ऐसे ये ऐड भी आपको काफी ज्यादा रेवेन्यू देगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं देगा जितना आपको नॉन स्किपेबल वीडियो ऐड दे जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो लास्ट में जो ऐड मिलता है वो है हमारा स्पॉन्सर कार्ड ऐड। यानी दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो में ऐसे होते हैं जहां पे आप वो रखते हैं वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, वहां पर भी एड शो करते हैं, तो वो जो एड होते हैं दोस्तों वो होते हैं स्पॉन्सर्ड कार्ड एड। आप यहां पे देख सकते हैं साइड में मैं आपको स्लाइड शो दिखा रहा हूं, ये है हमारा स्पॉन्सर्ड कार्ड एड और ये एड जब भी आता है तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर देता है। हालांकि दोस्तों नॉन स्किपेबल वीडियो से कम होता है लेकिन इसका भी जो रेवेन्यू है वो भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको सभी जो ऐड है यानी 6 प्रकार के ऐड आपको YouTube में देखने को मिल जाते हैं, ये सारी ऐड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है वो नॉन स्किपेबल वीडियो ऐड देता है और जो सबसे कम होता है वो है हमारा स्किपेबल वीडियो ऐड, यानी कि स्किपेबल वीडियो ऐड जो है वो सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करता है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूं। और आप देख भी सकते हैं आज तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मैंने, आप जहां पर भी जाकर देख सकते हैं, कमेंट में मैंने सबका रिप्लाई दिया है, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई छोड़ दिया हो।
अगर दोस्तों आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उस वीडियो को दूसरा वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ फैलाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।